और रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का जो मध्य प्रदेश के सरगुजा से आ रही है। आदिवासी शख्स की हत्या के बाद यहां जमकर बवाल हो गया है, सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है। नेशनल हाईवे 43 जी हां, वहां 5 घंटे एक लंबा जाम देखा गया। आदिवासी शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया, कितना बवाल वहां पर हुआ आप देखिए। सैकड़ों लोगों ने थाने को घेर लिया, धरने पर बैठ गए। बवाल की तस्वीरें नेशनल हाईवे 43 की आपके सामने, जहां पर 5 घंटे जाम लगा रहा। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के सरगुजा में सड़क पर लोग उतर आए हैं। यूपी के महाराजगंज में एक बैंक में बंदर आ गया और बैंक में अंदर बंदर आने की वजह से वहां पर मौजूद लोग घबरा गए, इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी के चलते यहां पर 1 घंटे तक बंदर के उत्पात के बीच काम थोड़ा ठप हो गया था और इस बीच काम प्रभावित हुआ। इससे कस्टमर को काफी देर तक वेट करना पड़ गया। बैंक कर्मचारी ने हालात संभाले बड़ी मुश्किल से और बंदर की उत्पाती हरकतों के चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत रही, फिर उसके बाद ये वीडियो भी वायरल हुआ जो आप देख सकते हैं, बंदर का आतंक एक बैंक के अंदर। गोंडा में नगर पालिका परिषद के सरकारी नजूल की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 2 मंजिला मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरवा दिया है। ये मकान भू माफिया गैंगस्टर ब्रिजेश अवस्थी ने बनवाया था और प्रशासन ने पहले नोटिस देकर नजूल की संपत्ति से मकान को हटवाने की बात कही थी, लेकिन जब अवैध मकान को ब्रिजेश अवस्थी की तरफ से नहीं ढहाया गया तो शनिवार को अधिकारियों ने बुलडोजर के जरिए इसे गिरा दिया। अभी भी पूरा मकान ढहाया नहीं जा सका है, लिहाजा बुलडोजर कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। जमीन फर्जीवाड़े को लेकर पिछले 1.5 साल से माफिया ब्रिजेश अवस्थी गोंडा जेल में बंद है।